पिछले 25 साल में सोमदेव देव बर्मन 62 के करियर हाई एटीपी रैंकिंग के साथ इंडिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर रहे हैं। सोमदेव देव बर्मन, जिन्होंने प्रोफेशनल टेनिस करियर की शुरुआत 2008 में की थी, एक छोटे टाइम पीरियड में बहुत कुछ अचीव किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ते हुए सोमदेव ने हिस्ट्री क्रिएट किया था जब वे नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन टेनिस चैंपियनशिप में लगातार 3 बार क्वालिफाई करने वाले इकलौते कॉलेज प्लेयर बने थे। 2008 तक सोमदेव जूनियर और सीनियर ईयर्स में बैक टू बैक फाइनल्स में पहुंचकर 44:1 के विन लॉस रिकॉर्ड भी क्रिएट किया था। सोमदेव ने 2009 के चेन्नई ओपन में फ्रेंच ओपन चैंपियन कार्लोस मोया को हराकर, जो कि रैंकिंग में उनसे कई ऊपर थे, सबको शॉक कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2009 में इवो कार्लोविच, 2011 में मार्कोस बगदातिस, अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव और मारिन चिलिच जैसे टॉप रैंक प्लेयर्स को भी हराया था। 2010 के डेली कॉमनवेल्थ गेम्स में सोमदेव ने मेन सिंगल्स टेनिस इवेंट में गोल्ड मेडल और उसी साल ग्वांगझो में हुए एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। सोमदेव ने ना सिर्फ कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन भारत का नाम इंटरनेशनल स्टेज पे रोशन भी किया है। इसी तरह के स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।